पूरी दुनिया पिछले 2-3 महीनों से बंद है, फिर भी कोविड-19 बीमारी फैलती जा रही है। जानकारों की राय में जब तक वैक्सीन का निर्माण नहीं हो जाता, तब तक लॉकडाउन ही मानव जाति को बचा सकता है। पर और कितने दिन तक हमें वैक्सीन का इंतजार करना पड़ेगा, इसके लिए हमें ये जानने की ज़रूरत है कि वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया क्या होती है। इंसान ने 19वीं शताब्दी के अंत तक बहुत सारी वैक्सीन डेवलप कर ली, जैसे स्मॉल पॉक्स, रेबीज, प्लेग, कॉलरा, टाइफॉइड। कुछ कुछ वैक्सीन बनाने को पूरे 10 साल लग गए, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। कोविड-19 वैक्सीन बनाने में 10 साल तो नहीं लगेंगे, क्योंकि इसका वायरस सार्स जो बीमारी है उसके वायरस से सिमिलर है और उसके ऊपर पहले से ही रिसर्च चल रहा है। तो चलिए जानते हैं कि क्या प्रोसेस होती है वैक्सीन बनाने की। वैक्सीन डेवलपमेंट शुरू करने से पहले ये डिसाइड करना पड़ता है कि वैक्सीन कौन से तरीके से डेवलप करनी है। हालांकि वैक्सीन डेवलप करने के भी अलग अलग अप्रोच होते हैं, जैसे कि वोल वायरस वैक्सीन, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन, DNA वैक्सीन, टॉक्साइड वैक्सीन। तो चलिए इन तरीकों को एक एक करके समझते हैं। होल बॉडी वैक्सीन। होल बॉडी वैक्सीन में मरे हुए या फिर कमजोर फॉर्म ऑफ वायरस को यूज किया जाता है, जो हमें मुख्य वायरस के खिलाफ प्रतिकार शक्ति देता है। पर यह वैक्सीन कई लोगों को बीमार कर सकती है। पर लंबे समय तक इम्यून पावर बढ़ाने के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल होता है। इसमें पैथोजन का यूज किया जाता है, इसलिए होल पैथोजन वैक्सीन भी इसको कहते हैं। पैथोजन का मतलब है एक्चुअल वायरस या बैक्टीरिया जिससे कोई बीमारी होती है। उसके बाद एक अप्रोच होता है जो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन जिसको कहते हैं। इसमें इन्फेक्शन का खतरा नहीं होता, क्योंकि इसमें पैथोजन का यूज़ नहीं किया जाता, बल्कि एंटीजन जो इम्यून सिस्टम को बढ़ावा देता है उसका यूज़ किया जाता है। एंटीजन का मतलब होता है कि ऐसे सब्सटेंस जो शरीर में वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बनाने में मदद करते हैं। कोरोना वायरस के केस में वायरस के स्पाइक प्रोटीन नाम के एंटीजन का यूज़ करके वैक्सीन डेवलप की जा रही है। अगला अप्रोच होता है DNA वैक्सीन। बॉडी में वायरस के प्रोटीन इंजेक्ट करने के बजाय DNA जो वायरस के प्रोटीन बनाता है, वही DNA अगर बॉडी में इंजेक्ट किया जाए तो वो DNA बॉडी के B और T सेल में जाके प्रोटीन निर्माण करता है, जो एक्चुअल वायरस के प्रति अपने शरीर में इम्यून सिस्टम बढ़ाता है। अगला अप्रोच है टॉक्साइड वैक्सीन। बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारियों में बैक्टीरिया के जिस टॉक्सिन की वजह से बीमारी होती है, उस टॉक्सिन का यूज करके वैक्सीन बनाई जाती है। तो ये थे वैक्सीन डेवलपमेंट के अलग अलग अप्रोच। अगर हम एक बार ये डिसाइड कर ले कि कौन से अप्रोच से वैक्सीन बनानी है, तो हमें वैक्सीन डेवलपमेंट के कुछ नेसेसरी स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि पहला स्टेज होता है एक्सप्लोरेटरी स्टेज। इस स्टेज में ज़्यादातर लैबोरेटरी रिसर्च शामिल होता है। दुनिया के हर देशों की सरकारें इस प्रोग्राम को बढ़ावा देती है। अलग अलग यूनिवर्सिटी में इसका स्टडी होता है। नेचुरल या सिंथेटिक एंटीजन जो बीमारी के इलाज में उपयुक्त हो सकता है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। एंटीजन में वायरस जैसे पार्टिकल हो सकते, वीक वायरस हो सकते, बैक्टीरिया या फिर वीक बैक्टीरियल टॉक्सिन हो सकते, या फिर पैथोजन से निकले हुए अदर सब्सटेंस भी हो सकते हैं। फिर उसके बाद वैक्सीनेशन प्रोसेस को प्री क्लिनिकल स्टेज से गुजरना पड़ता है। इस फेज में इंसानों के शरीर में खुद वैक्सीन के लिए मौजूद प्रतिकार शक्ति की स्टडी की जाती है। उसके लिए चूहे या फिर बंदरों पर प्रयोग किया जाता है। इस स्टडी में बॉडी के सेल्स का वैक्सीन के प्रति रिस्पॉन्स स्टडी किया जाता है। साथ ही में अगले स्टेप के रिसर्च के लिए डोज कितनी होनी चाहिए ये भी जांच लिया जाता है। कभी कभी इस स्टेज में एनिमल्स के साथ कुछ चैलेंजिंग स्टडीज भी की जाती है, जैसे कि एनिमल्स को वैक्सीन दी जाती है, उसके बाद पैथोजन मतलब वायरस या फिर बैक्टीरिया दिया जाता है और उस पर स्टडी कंडक्ट किया जाता है। बहुत सारे वैक्सीन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसी स्टेज पर रुक जाते हैं, क्योंकि बहुत बार साइंटिस्ट को एनिमल्स की बॉडी से वैक्सीन को रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो उनको ये स्टेज बार बार करनी पड़ती है जब तक पॉजिटिव रिस्पॉन्स ना मिल जाए। और कभी कभी इस प्रोसेस को 2 साल तक लग जाते हैं। और जब पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल जाता है तब अगली स्टेज शुरू होती है, वो स्टेज है वैक्सीन ट्रायल्स। और दरअसल वैक्सीन ट्रायल्स भी 3 अलग अलग फेज में होते हैं। फेज 1 ट्रायल्स। फर्स्ट ट्रायल में इंसानों की इन्वॉल्वमेंट शुरू होती है। ये वैक्सीन कुछ स्मॉल ग्रुप्स के एडल्ट्स में इंजेक्ट की जाती है और उसका रिस्पॉन्स चेक किया जाता है। अगर कोई बीमारी है जो बच्चों में फैल रही है और उसके लिए वैक्सीन बनानी है, तो पहले एडल्ट्स पर प्रयोग किया जाता है,
धीरे धीरे कम उम्र वाले लोगों में इसका प्रयोग किया जाता है जब तक प्रयोग बच्चों पर ना हो जाए। कई बार जिन स्मॉल ग्रुप्स में ये ट्रायल्स किया जाता है उनमें से बहुत ही कम लोगों में वैक्सीनेशन के बाद पैथोजन इंजेक्ट किया जाता है और उनके साथ साथ बाकी ग्रुप को ही बहुत केयरफुली मॉनिटर किया जाता है। फेज टू ट्रायल्स में एक बड़े ग्रुप में टेस्टिंग की जाती है और उनमें टेस्टिंग के बाद बीमारी लगने का खतरा रहता है, इसलिए ये ट्रायल्स बहुत ही कंट्रोल तरीके से होता है। इस ट्रायल का उद्देश्य होता है कि वैक्सीन की सेफ्टी, एंटीजन का प्रतिकार बढ़ने प्रति प्रभुत्व, टीकों का आकलन और व्यवस्थापन आदि परखा जाता है। फेज थ्री ट्रायल्स में सेकेंड ट्रायल के सक्सेस के बाद ये ट्रायल्स कुछ 1,000 से 10,000 लोगों पे कंडक्ट किया जाता है। साथ ही में इंसान के शरीर में इतर दी जाने वाली औषधि या फिर सलाइन सॉल्यूशन के साथ इसको परखा जाता है। इस स्टेज के दौरान किसी ग्रुप में छोटी सी मात्रा में चुनिंदा लोगों में साइड इफेक्ट नजर आ सकते हैं, तो उनकी मात्रा जानने के लिए बड़े ग्रुप में भी टेस्टिंग की जाती है। ये लास्ट ट्रायल होती है तो कुछ महत्वपूर्ण बातें निश्चित करना जरूरी होता है, जैसे कि ये वैक्सीन जिस भी बीमारी के लिए बनाई गई है क्या इससे उस बीमारी का पूरा इलाज होता है, और क्या इस वैक्सीन से किसी तरह का इन्फेक्शन होता है, और क्या इस वैक्सीन से एंटीबॉडी या उस बीमारी के प्रति प्रतिकार शक्ति पैदा होती है। सारे सवालों का सकारात्मक जवाब मिलने के बाद वैक्सीन अप्रूवल और लाइसेंस के लिए भेजी जाती है। गवर्नमेंट की जो ड्रग लाइसेंसिंग अथॉरिटी होती है वो तो पहले इस वैक्सीन की जांच करती है, फिर जांच करने के बाद जिस लैब या फैक्ट्री में इस वैक्सीन का निर्माण होना है उसका ऑडिट करती है। सारे डॉक्यूमेंटेशन और प्रोसीजर हो जाने के बाद वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग को हरी झंडी मिल जाती है। पर एक बार वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई तो ऐसा नहीं है कि प्रोसेस खत्म हो गई, लेकिन लंबी देर तक वैक्सीन के रिजल्ट मॉनिटर किए जाते हैं और हो सके तो ज़रूरी बदलाव भी किए जाते हैं। तभी ये एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। कोरोना वायरस के केस में फिलहाल में ट्रायल 1 चल रहा है। आई होप कि आपको इस वीडियो से अंदाजा आया होगा कि और कितना टाइम लगेगा वैक्सीन बनाने में।